Good morning, class 6th. So students, in the previous class, we have started a new chapter, chapter number 1, Understanding Diversity. And in this chapter, we have completed an introductory part of the portion of this chapter. We have also done one topic, which is Earth Cultural Diversity. So in dono topics mein hum logo ne India ki diversity wo dekha tha ki India kitni zyada diversified hai. Agar cultures ki baat kar le, customs ki baat kar le, religions ki baat kar le, caste ki baat kar le, food ki baat kar le, festivals ki baat kar le, unke jo books hain jo follow karte hain, traditions ki baat kar le, har cheez alag alag aapko diversified milegi yet united bhi milegi. Yes, this point we all have discussed in the previous class. Now we are starting our next topic, which is, first of all, let me tell you the page number 181, and from here, page number 181, here we are starting a new topic, which is what promotes diversity. तो diversity होती क्या है ये हम देख चुके हैं. अब देखेंगे क्या चीजें हैं जो कि diversity को promote कर रही हैं, कैसे बढ़ावा मिलता है diversity को. So first point, historical enjoyable factors influence the diversity of a region. History shows how different cultures influence have helped to shape life and culture. देखिए history की अगर हम बात करें तो हमारा जो evolution है बहुत पहले हो चुका था. उसके बाद धीरे धीरे humans एक साथ रहने लग गए, फिर क्योंकि because of the safety reason, जब वो धीरे धीरे एक साथ रहने लग गए तो एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने ट्रैवल किया, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया तो वो अलग अलग एरियाज के इन्फ्लुएंस को दूसरी जगह पे लेते गए और यहाँ से डाइवर्सिटी क्रिएट होने लग गई. जैसे आपके हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स दोनों ही एक तरीके से एक रीजन की डाइवर्सिटी को अफेक्ट करते हैं. हिस्ट्री में अलग अलग जगह शो की जाती है और ज्योग्राफी में एरिया शो किए जाते हैं. जहाँ इन दोनों का मिक्सचर हो जाता है वहाँ पे चीज़ें डाइवर्सिफाइड हो जाती हैं. जैसे हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो हिस्ट्री में कोई भी एरिया का नाम ले लो, ज्योग्राफी में कोई भी एरिया का नाम ले लो, तो वहाँ से कहीं और से कोई इंसान आया तो वो वहाँ का इन्फ्लुएंस ला के एक जगह पर वो मिक्सअप करने लग जाएगा. तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक दोनों एक दूसरे के पूरा क्या फिर कॉम्प्लीमेंट्री तौर पर हम लोग ले सकते हैं. नाउ एक राइट हैंड साइड में पिंक कलर का बॉक्स आपको दिखाई देगा, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम लोग रीजंस देख लेते हैं. दस रीजंस बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज ऑफ यूनिक हिस्ट्रीज. हर एक जगह की हिस्ट्री अलग है. राजस्थान की मैं बात करूँ तो रजवाड़ों के एरियाज कहा जाता है इसे. अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ मराठों की भूमि कहा जाता है. अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर की, उसकी अलग हिस्ट्री है. तो हिस्ट्री भी डाइवर्सिफाइड है अलग अलग एरियाज की इंडिया के अंदर. सो रीजंस बिकम वेरी डाइवर्स बिकॉज यूनिक हिस्ट्री. डाइवर्सिटी ऑल्सो केम इन टू प्ले वेन द पीपल अडेप्ट देयर लाइफ टू वेरियस क्लाइमेट्स. पीपल लिविंग नियर सी, अगर जैसे हम लोग जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उस एनवायरनमेंट को अपना लेते हैं. समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं, उनकी फूड हैबिट्स अलग हैं, वो फिश खाते हैं. और वहीं पर अगर हम बात करें कोई मिड पोर्शन में रहता है, जैसे पंजाब की मैं बात कर लूँ, दिल्ली की बात कर लूँ, हरियाणा, उत्तराखंड, यहाँ के एरियाज का जो फूड है वो उनके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स को देख कर ज़्यादा इफेक्ट होता है. सो द येलो कलर पोर्शन थर्ड लाइन, अडेप्ट देयर लाइफ टू वेरियस क्लाइमेट. People living near sea had different food habits, different way of dressing. उनकी कपड़े पहनने की स्टाइल भी अलग होगी from those living in plains or mountain or in mountain region. Plain मतलब मैदानी इलाकों की यहाँ पर बात की जा रही है. सो जो मैदानी इलाकों में रहेंगे और या फिर जो माउंटेनियस रीजन में रहेंगे, मैंने यहाँ पर माउंटेनियस रीजन की पिक्चर चिपकाई है, सो पेस्ट की है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो वुलन क्लॉथ्स इन्होंने वेयर कर रखे हैं. वहीं पर हम बात करें मैदानी इलाकों में, वहाँ के लोगों का रहन सहन और जो ड्रेसिंग स्टाइल्स है वो अलग होंगे. एंड यस, सो जो मैदानी इलाके हैं उनमें लोग अलग तरीके से रहेंगे, उनकी ड्रेसिंग स्टाइल अलग होगी और वहीं पर उनकी फूड हैबिट्स भी अलग होंगी. वहीं पर कोई समुद्र के किनारे रह रहा है तो उसके भी फूड हैबिट्स भी अलग होंगे, ड्रेसिंग स्टाइल भी अलग होगी. नाउ वी विल डिस्कस दिस बॉक्स, द पिंक कलर बॉक्स. रिलीजन्स ऑफ इंडिया परसेंटेज. रिलीजन्स कौन कौन से हैं? हिंदूज़ की पॉपुलेशन है 79.8%, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन है 14.2%, क्रिश्चियन 2.36, 1.7 एंड बुद्धिस 0.67%, जैन्स ओनली 0.4% एंड अदर्स जो भी है वो 0.7% है. तो ये आपकी पॉपुलेशन देखने को मिलती है.
So now we will move forward to our next point, which is the extension of what promotes diversity. So Bengaluru has moderate climate. People hardly put on woolen clothes. So यहाँ पर हम देख सकते हैं बेंगलुरु में दो एरिया, सॉरी बेंगलुरु कहाँ पर सिचुएटेड है, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में सिचुएटेड है. तो वहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है क्योंकि वो सी के पास सिचुएटेड है. दैट्स वाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा ना तो समर होती है ना ही ज़्यादा विंटर होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है. तो यहाँ पर हार्डली वूलन क्लॉथ्स लोग खरीदते हैं पहनते हैं. बट अगर हम बात करें वूलन क्लॉथ्स दे एक्सट्रीम सॉरी दिल्ली, अब वहीं पर हम बात करें दिल्ली की, तो एक तरफ हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक एरिया है जो कि सिचुएटेड है सी के पास में, तो वहाँ मॉडरेट क्लाइमेट है. वहीं पर दिल्ली की बात करें, दिल्ली एकदम मिड में सिचुएटेड है, तो बिकॉज ऑफ दैट दिल्ली में जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट ना देखे, यहाँ पर हम बहुत फ्लक्चुएशंस देखते हैं. फ्लक्चुएशंस कैसे देखते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ जाती है. टेम्परेचर बहुत प्लस में भी जाता है, टेम्परेचर बहुत माइनस में भी जाता है दिल्ली का. सो यहाँ पर देख सकते हैं सेकेंड लाइन येलो कलर पोर्शन, दिल्ली एक्सट्रीम क्लाइमेट, पीपल वेयर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर, वूलन क्लॉथ्स इन विंटर. तो यहाँ पर देखिए सर्दियों में भी वो लोग ड्रेसेस ले रहे हैं, ड्रेसेस अलग तरीके से पहन रहे हैं, और गर्मियों में भी, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलते हैं. नाउ सेकेंड पॉइंट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस बाय कंपेयरिंग लाइव्स ऑफ पीपल. अब कंपेयर करते हैं पंजाब के, पंजाब में हड़प्पन सिविलाइजेशन देखने को मिलती है, आर्यन यहीं पर फ्लरिश हुए थे उत्तर प्रदेश के अंदर. उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये सारे रीजन्स तो देख लिए, उसके बाद आप बिहार में देखोगे ना, तो बिहार में आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता कि कहीं बाहर से लोग आए और वो आकर बसे. यहाँ पर लाइन थर्ड लाइन लिखी है, बिहार मैनी रेसेस ऑफ पीपल एंटर्ड इंडिया फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड सेटल इन पंजाब फॉर गुड, दे हैव अडॉप्टेड देयर लोकल ट्रेडिशंस. बिहार विटनेस नहीं कर पाता है इंटरमिक्सिंग रेसेस और कल्चर की, जहाँ पर पंजाब कर पाए थे क्योंकि वहाँ बाहर से लोग आए थे. दैट्स वाई नाउ वाइट कलर पोर्शन, पंजाब में कम रेनफॉल, सॉरी ग्रेट टू लिटिल रेनफॉल होती है. यहाँ पर सॉयल कैसी है, सैंडी है और क्लेई है, इसलिए यहाँ पर लार्ज स्केल पर क्रॉप उगाई जाती है. यहाँ पर मेजर फूड क्या है, चपाती है और दाल है. वैसे तो यहाँ पर मैंने पिक्चर जो लगा रखी है वो सरसों का साग और मक्के की रोटी है, बट फिर आपके बुक के अकॉर्डिंग चपाती और दाल आपके नॉर्दर्न इंडिया के फूड में गिना जाता है. वहीं पर आप बिहार की तरफ आओ, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, बाढ़ आती है मॉनसून रीजन में, और यहाँ की जो सॉइल है वो क्ले ही है, इसलिए पैडी कल्टिवेट होता है. यहाँ पर मैंने पैडी कल्टिवेशन, राइस कल्टिवेशन की पिक्चर लगा दी है. और यहाँ पर जो स्टेपल डाइट है ना वो है राइस, कुक्ड राइस यहाँ पर ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है. तो हमने देखा कि दो एरियाज को कंपेयर किया जा रहा है और उनके हिसाब से उन दोनों को अलग अलग रखते हुए हम लोग हमारा पोर्शन को कवर अप कर रहे हैं. अब हमारे बुक के नेक्स्ट पेज में दैट इज़ ऑन पेज नंबर 182 एक पोर्शन दिखाया गया है. मैं उसको जूम कर देती हूँ, देन वी विल डिस्कस ऑल दीज डिटेल्स ऑफ दिस पोर्शन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल केरला है एक जगह यहाँ पर. केरला हमारे साउथ सदर्न इंडिया में तमिलनाडु के लेफ्ट हैंड साइड में सिचुएटेड है. केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, सबसे नीचे देखने को मिलता है. नैरो स्ट्रिप अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में एक नैरो स्ट्रिप के तौर पर फैला हुआ है. यहाँ पर बहुत सारे कोकोनट ट्रीज एंड कोकोनट पाम देखने को मिलते हैं और ये ब्यूटीफुल बीचेस के लिए फेमस है. उसके बाद है नंबर ऑफ स्पाइसेस, यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मींस मसाले मिलते हैं, लाइक क्लोव्स, कार्डमन, पेपर ग्रोन होता है यहाँ पर. स्पाइसेस ट्रेडर्स को यानी व्यापारियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो कि ज्यूज थे, अरब्स थे, वो इंडिया आए थे और उन्होंने यहाँ पर ट्रेड किया था. केरला वॉज विजिटेड बाई सेंट थॉमस एंड An apostle of Christ 2000 year ago, he brought Christianity to Kerala. So आप केरला में देखोगे क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट हो चुकी है. तो हम यहाँ पर सेंट थॉमस क्विस्ट का श्रेय देते हैं क्योंकि वो बाहर से आए थे, उन्होंने क्या किया, इन्फ्लुएंस कर दिया. बात हम डाइवर्सिटी की पढ़ रहे हैं कि रिलीजन हमारे इंडिया में आए कैसे, क्योंकि कोई तो यहाँ आए थे, उन्होंने ही उस चीज़ को यहाँ पर फैलाया लाके. अरब मैनी सेकेंड थर्ड पैराग्राफ, मैनी अरब ट्रेडर्स सेटल डाउन इन केरला. इब्न बतूता विजिटेड केरला
700 ईयर्स अगो रोट अ ट्रैवलॉग ऑन केरला। देखिए, इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में इंडिया आए थे, और इन्होंने बहुत सारे ट्रैवलॉग, मतलब अपने रिटन चीज़ों को, जहाँ पर वो गए उससे के बारे में अपने ट्रैवलॉग्स लिखे हैं। सो केरला के बारे में भी इन्होंने ट्रैवलॉग्स लिखे हैं। उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि मुस्लिम डिस्क्राइब द लाइव्स ऑफ मुस्लिम, हाउ वेल रिस्पेक्टेड दे वर इन द स्टेट, कितने आदर सम्मान के साथ वो रहते थे। वास्को डी गामा द पोर्तुगीज सेलर डिस्कवर द सी रूट फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, लैंडेड एट कोजीकोड़े कैलिकट इन 1498। वास्को डी गामा ही वो ऐसे इंसान है जिन्हें इसका श्रेय दिया जाता है कि यूरोप से लेकर इंडिया तक का सी रूट, समुद्र के जरिए जो जरिया रास्ता है, वो उन्होंने खोजा था। तो सबसे पहले वो आए कहाँ थे, कोजीकोड़े में, जो कि कैलिकट में है। 1498 में वो यहाँ इंडिया के अंदर आए थे। अब अगर हम बात करें अदर एस्पेक्ट्स की, इन केरला पीपल ऑफ डिफरेंट, इधर वाले पैराग्राफ की तरफ ध्यान देंगे, डिफरेंट रिलीजन सब शांति से रहते हैं। हिंदू रहते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ज्यूज बुद्धिस्म रहते हैं, डाइवर्सिटी के साथ यूनिटी है। ओनम यहाँ पर मेजर फेस्टिवल है यहाँ का, और क्रिसमस, ईद, विष्णु सॉरी विशु, अदर रिलीजियस फेस्टिवल्स भी यहाँ पर बहुत हारमोनी के साथ मनाए जाते हैं। ओनम में स्नेक बोट रेस होती है, यहाँ पर मैं ये नीचे आप स्नेक बोट रेस देख सकते हो, पतली सी एक बोट होती है जिस पर जो लोग हैं वो बैठकर एक रेस करते हैं, ये रही स्नेक बोट रेस। तो वो स्नेक बोट रेस के लिए बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं इंडिया में। थर्ड लास्ट लाइन, ड्यूरिंग ओनम द स्नेक बोट रेसेज आर हेल्ड इन द बैक वाटर्स ऑफ अलापुजा, ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन यहाँ पर ये जो स्नेक बोट रेस है उसके लिए हुआ है। फिशिंग फ्लरिस्ट इंडस्ट्री है क्योंकि वो बॉर्डर पे है, यहाँ पर अरेबियन सी है और यहाँ यहाँ पर बे ऑफ बंगाल भी है, तो अरेबियन सी से ज़्यादा कनेक्टेड है ये, तो यहाँ पर फिशिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश है। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिलता है। फिशिंग के लिए जो नेट इस्तेमाल होती है उसे चीना वाला कह लेते हैं। चीना वाला का मतलब सॉरी एंड अ फ्राई पैन जिसे चीना चाटी बोलते हैं। चीना मतलब चाइना, तो यहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं, नेट और फ्राई पैन। यहाँ पर राइस कल्टीवेट होती है, वेजिटेबल्स कल्टीवेट होती है, फिश, रबर, टैपियोका, कॉफ़ी यहाँ पर कल्टीवेट की जाती है। कथकली यहाँ का मेजर डांस फॉर्म है। मोहिनी अट्टम भी एक अदर क्लासिकल डांस फॉर्म है। एंड कलारीपट्टू एक फेमस मार्शल आर्ट डांस सॉरी मार्शल आर्ट फॉर्म है। कई मूवीज में हमने कलारीपट्टू होते हुए देखा है। लास्ट पैराग्राफ, द रिलीजियस एंड कल्चरल फेस्टिवल्स ऑफ केरला, इसकी वैरायटी, मतलब यहाँ पर वैरायटी है, वैरायटी के साथ साथ आपको यूनिटी भी देखने को मिलती है। सो अभी हमने यहाँ पर केरला का एग्जाम्पल देखा है। नाउ इन द नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस द डिटेल स्टडी ऑफ लद्दाख। दो एरियाज़ के हमें कंपैरिजन देखने, तो वेयर लद्दाख इज सिचुएटेड। लद्दाख एक डेजर्ट है। सबसे पहली बात, डेजर्ट दो टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट मीन्स जैसे थार डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट मीन्स लद्दाख। सो ऐसी जगह जहाँ पर कुछ भी कल्टिवेट नहीं किया जा सकता और टेम्परेचर बहुत हार्श है, क्लाइमेट हमारा बहुत एक्सट्रीम है, उन जगह को डेजर्ट बोला जाता है। सो लद्दाख इज़ अ डेजर्ट माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ अब एक यूटी हो चुका है, यूनियन टेरेटरी बन चुका है। नाउ यूनियन टेरेटरी है, बुक में मेंशन भी है, दो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, लेह एंड कारगिल। दोनों ही सेफ्टी के पर्पज से, हमारे सोल्जर्स के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं, इंडिया के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट जगह हैं। सराउंडेड है माउंटेन से, कराकोरम नॉर्थ में है, ग्रेटर हिमालय साउथ में है, पैरेलल चेन्स लद्दाख और जास करके यहाँ चली गई है। तो ये है हमारे लद्दाख के फिजिकल बाउंड्री अगर हम देखें। वहीं हम लोग इधर आगे आते हैं ऊपर की साइड में, लेट मी एडजस्ट दिस पोर्शन। यस, इट इज़ हार्डली रिसीव्ड। अब देखिए क्यों डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल नहीं होती है, बहुत मुश्किल से रेनफॉल होती है, होती भी है तो स्नोफॉल के टाइम, स्नोफॉल के जरिए होती है। एग्रीकल्चर यहाँ पर इम्पॉसिबल है, ड्रिंकिंग वाटर लोगों को मिलता है तो मेल्टिंग स्नो से, समर सीजन में मिल रहा है। पीपल शीप को, भेड़ को पालते हैं यहाँ पर। पश्मीना शॉल यहाँ कल्टिवेट की जाती, मतलब एक तरीके से पश्मीना शॉल वूल से, जो आपकी शीप है उनसे वूल निकाला और उसके बाद पश्मीना शॉल बनवाई जाती है।
दिस वूल इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन लद्दाख, सेल दिस वूल टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर. तो ये जो वूल है, पश्मीना शॉल भी कोई बहुत ज़्यादा चीप नहीं आती है, अच्छी खासी एक अमाउंट, गुड अमाउंट में आती है. तो बनाई क्यों जाती है, बनाई हम लोग वूल से उस पश्मीना शॉल को कल्टिवेट, सॉरी बना रहे हैं. पश्मीना शॉल्स आर मोस्टली मेड इन कश्मीर, कश्मीर में बनाया जा रहा है. एंड यहाँ पर जो लोग हैं वो मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स में चीज़, बटर हमें गोट से मिल रहा है, काउ से मिल रहा है, या काउ से मिल रहा है, शीप, ये लोग उन्हें पालते हैं. नाउ दो लद्दाख एक डेजर्ट है, यहाँ पर ट्रेडर्स भी आते हैं, ट्रेडर्स को अटैक किया है बिकॉज ऑफ इट्स हाई पासिस, दर्रों से वो ट्रैवल करके इंडिया के अंदर आ रहे हैं. इट वॉज अ रेस्टिंग पॉइंट, जैसे एक जगह से दूसरी जगह आप आते हो तो बीच में रुकते हो ना, तो लद्दाख वो एक रेस्टिंग पॉइंट बन चुका था. सेंट्रल एशिया से आगे अगर किसी को जाना है तो वो यहाँ पर आके रेस्ट कर सकता है. कारवां, बड़े बड़े कारवां लोगों के एक जगह से दूसरी जगह टेक्सटाइल, स्पाइसेस, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स को लेकर यहाँ पर चलते थे, ये रूट्स होता था. नाउ द सेकेंड लास्ट पैराग्राफ, लद्दाख वॉज ऑल्सो कॉल लिटिल तिब्बत, तिब्बत का छोटा रूप कहा जाता है लद्दाख को. तिब्बत इज सिचुएटेड इन चाइना, इट इज़ अ बुद्धिस्ट लैंड. कहाँ पर, लद्दाख. यहाँ पर कल्चरल एफिनिटी आपको देखने को मिलती है लद्दाख, तिब्बत जैसी, सॉरी. बुद्धिज्म रीच तिब्बत थ्रू इट, और बुद्धिज्म तिब्बत में कैसे, बुद्धिज्म रीच तिब्बत, यहाँ से बुद्धिज्म आपका पहुँचा है तिब्बत में. यहाँ मोनेस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े गोम्पास हैं, पेंटिंग्स आपको देखने को मिलती है मोनेस्ट्रीज में, ताकि दीवार को डेकोरेट किया जा सके. मेन थीम क्या है, ट्रेडिशनल थिएटर स्टोरीज बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ बुद्धा. सम ऑफ द मोस्ट फेमस फेयर फेस्टिवल लद्दाख में लोसार न्यू ईयर में सेलिब्रेट किया जाता है. श्री शुप्ला, जब आप फेस्टिवल को हार्वेस्ट करते हो तब सेलिब्रेट किया जा रहा है. समर फेस्टिवल हेमिस चेशु सेलिब्रेट किया जाता है. लोकल वर्जन ऑफ तिब्बत एपिक रिटन मटेरियल, अगर हम बोले केसर सागा यहाँ पर गाया जाता है, ये एक नेशनल एपिक है मुस्लिम्स और बुद्धिस्म कम्युनिटीज के द्वारा. नाउ लास्ट पैराग्राफ विल डिस्कस, दैट इज, इट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट मेनी. ये जो लास्ट पैराग्राफ है, दिस इज ऑन पेज नंबर 184, सिर्फ एक बॉक्स के तौर पर यहाँ मौजूद है, ये देख सकते हो. इट इज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट मेनी ऑफ द एनुअल फंक्शन फेस्टिवल्स ऑफ लद्दाख टेक प्लेस इन विंटर. सर्दियों में यहाँ पर फेस्टिवल्स को मनाया जाता है. लामाज जो हैं वो कलरफुल ड्रेस पहनते हैं, मास्क पहनते हैं और यहाँ पर परफॉर्म करते हैं. लॉन्ग हॉर्न्स, क्रिम्बल्स, म्यूजिक, डांस, सारे के सारे म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस होते हैं. So by this topic we have completed the comparison between Ladakh and Kerala. कोई comparison नहीं है, दोनों की अलग अलग अगर हम बोलें फीचर्स हैं. तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, लद्दाख और जब हम जम्मू एंड कश्मीर को कर रहे थे, सॉरी फॉर दिस, जब जम्मू एंड कश्मीर को हम लोग कवर अप कर रहे थे, तो हमने ये देखा कि दोनों ही अलग अलग एरियाज़ में बसे हुए हैं. अब जब ये लोग अलग अलग एरियाज में बसे हुए हैं तो दोनों की कल्चरल डाइवर्सिटी अलग अलग है, दोनों की ड्रेसिंग सेंस अलग अलग है, बट फिर भी दोनों स्टेट्स, वैसे तो एक यूनियन टेरिटरी और एक स्टेट है, जैसे केरला एक स्टेट है और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है, दोनों साथ मिलकर रहते हैं. यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक सबसे बेजोड़ जो मिसाल है वो पेश की जा रही है इसके जरिए. सो बाय दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड वन पॉइंट विच इज व्हाट प्रमोट्स डाइवर्सिटी एंड वी हैव आल्सो डन द एग्जांपल ऑफ दिस पोर्शन. नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइव्स. सो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास. थैंक यू.